संपूर्ण भूमंडल की अमृत धारा ये नदियाँ। नदियों की वजह से सभ्यताएं जन्म लेती हैं, बस्तियाँ बसती हैं, कहानियाँ बनती हैं। ये नदियों का कलकल करता हुआ जल है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। क्यों हमें इसकी महत्वता का अंदाजा नहीं है? कम से कम समय में, कम खर्चे में कैसे नदियों को फिर से पुनरुज्जीवित करना, ये एक तकनीक निखोज निकाले हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स की टीम ने रिवर रेजुविनेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के 4 राज्यों में अभी तक 68 नदियों एवं उनके सहायक नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तमिलनाडु में मृत हो चुकी नाग नदी का 44,000 महिलाओं ने मिलकर सृजन के कार्य को पूरा किया। 366 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र बनाया गया। आज नाग नदी 400 दिनों से लगातार बह रही है और आसपास के लोगों को लाभान्वित कर रही है। हमारे लिए वो क्षण गौरवान्वित रहा जब प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को ध्यान रख मन की बात की सराहना की। इस प्रयासों की एक और मिसाल है कुमुदवती। नदी बहुत हद तक सूख चुकी थी, इसका पुनर्वाह किया गया, लोगों में जागरूकता फैलाया गया और आसपास के 100 गांव को लाभ हुआ। साथ ही कृषि और पीने का पानी की समस्या का स्थायी हल किया गया। महाराष्ट्र के अधिकांश जिले सूखे का सामना कर रहे थे। ये हमारे 2016-17 में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो फसल का नुकसान वगैरह बहुत ज़्यादा था। तो वो टाइम में हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग वाले की तरफ से उनका एक प्रोग्राम चालू किया उन्होंने कि वाटर हार्वेस्टिंग का। तो उन्होंने जितने भी हमारे खेत में नाले वगैरह थे उनको खोलीकरण किया उन्होंने, तो उससे हमारा वाटर का प्रॉब्लम पूरा साल हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग ने महाराष्ट्र में आजीविका और वहाँ रहने वाले निवासियों की आस्था को जीवंत रखे हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स। ऐसी कई प्रयास है जो सफल होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी में 2 तहसील में नाला जोड़ो अभियान का बड़ी योजना बनाई आर्ट ऑफ लिविंग और महाराष्ट्र सरकार ज्वाइंट वेंचर करके, सुपरविजन आर्ट ऑफ लिविंग ने करके उनका डिजाइन करके 120 किलोमीटर लंबाई के सभी नालों को जोड़ा गया। ऐसी कई प्रयास है जो सफल होते जा रहे हैं और आज जनमानस को पानी मिल रहा है। नदियां अपने रुआब में बह रही हैं और अपना काल चक्र पूरा कर रही हैं। विकास की ओर बढ़ते भारत एक अनमोल उपहार देते आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स। यूपी के रामपुर में सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने नई मेथोडोलॉजीज का प्रयोग किया और विभिन्न संरचनाएं बनाए। इस कड़ी में अभी आंध्र प्रदेश में कार्य की शुरुआत की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश की 75 नदियों और उपनदियों का पुनर्वाह करने का संकल्प लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स कार्य निर्वाह कर रहे हैं। विशाल जनमानस को गुरुदेव का पर्याप्त और स्वच्छ पानी का वादा आज संपूर्ण हो रहा है। जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। आज हमारे और यंगस्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है कि नदियों का पुनर्जीवन करने के लिए। इस वर्ल्ड रिवर डे पर आइए हम सब साथ मिलकर कल की सुंदर तस्वीर उकेरते हैं।